नमस्ते, मैं सुमन पांडे, आप सबका स्वागत है अपनी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी छोले। तो आइए हम उन सब के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये मैंने 4 मीडियम टमाटर ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्च, 4 मीडियम प्याज। तो 3 प्याज का हमें पेस्ट बनाना है, इसमें से 1 फ्राई के लिए रख। ये मैंने 2 कप छोले बॉयल कर लिए हैं और बड़े कटोरी से आधी कटोरी मैंने इमली बॉयल करके उसका पेस्ट बना लिया है। ये मैंने बड़ी कटोरी से आधी कटोरी चाय पत्ती बॉयल कर लिया है। ये छन्नी से छान लेना है हमें, चाय पत्ती का पीस ना जाए ब्राउन छोले बनाने के लिए। और कुछ सूखे मसाले मैंने ले लिए, 2 तेज़पत्ता, 2 लाल सूखी मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 4 लौंग, 5-6 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी। अब मैं सबसे पहले प्याज लहसुन टमाटर अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब मैं सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालूंगी। ये देखिए तेल गरम हो गया। मैं इनमें सूखे मसाले डालूंगी, 2 सूखी मिर्च, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, स्टार फूल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ता और 1/2 टीस्पून जीरा। ये सब मेरा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। अब 1 पिंच हींग डालूंगी इसमें मैं, 1/2 पिंच हींग। प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है। ये देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो गया। मैं इसमें ये पेस्ट डालूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है मुझे, वो मीडियम फ्लेम पे करके गैस को छोड़ देना है। अब मैं इसमें डालूंगी ¼ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए चने डालूंगी। ये गैस को हाई फ्लेम पे कर देना है हमें। अब इसको 2 मिनट में मसाले में चने पका लूंगी मैं। ये देखिए कितना सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया एक दूसरे में। अब मैं इसमें चाय वाला पानी डालूंगी। For the land. Let's go back.
अब मैं डालूंगी इसमें 1 बड़ा स्पून छोले मसाला, 1 देखिए मेरा छोले बनके तैयार हो गया है। सो गाइस ये देखिए मेरा छोले बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।